हेलो स्टूडेंट, टुडे वी टॉक अबाउट वेरी न्यू टॉपिक। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिजीज़ के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ डिजीज़। तो डिजीज़ होता क्या है? तो डिजीज़ को हम लोग बोल सकते हैं डेट इज़ ए इलनेस इन अवर बॉडी। क्या होता है? इलनेस इन अवर बॉडी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डेट इज़ ए डिजीज़। हम लोग बात करते हैं कि फिर एक हेल्दी पर्सन क्या होता है, व्हाट इज़ ए हेल्दी पर्सन। तो हेल्दी पर्सन हम लोग किसको बोलते हैं? हेल्दी पर्सन हम लोग बोलते हैं जो फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली वेल बीइंग हो, डेट इज़ ए हेल्दी पर्सन। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़। तो हम लोग वैसे यदि इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन के बेसिस पर टू टाइप्स की डिजीज़ होती हैं, डेट इज़ ए इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होता है? इन्फेक्शियस डिजीज़ की हम लोग बात करें तो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं जो कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट स्प्रेड आउट करती हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं डेट इज़ ए कॉन्टैक्ट डिजीज़ और इन्फेक्शियस डिजीज़। दूसरा हम लोग बात करते हैं जो नॉन कॉन्टैक्ट होती हैं, वो कौन सी होती हैं जो स्प्रेड नहीं करती हैं कॉन्टैक्ट से, जैसे कि कैंसर। इसके बाद हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे डेट इज़ ए बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ के अंदर जो सबसे पहले हमें पढ़ना है डेट इज़ ए टाइफाइड। तो टाइफाइड की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। तो टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट्स क्या होता है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, डेट इज़ कॉज्ड बाई सेलमोनेला टाइफी। स्प्रेड आउट कैसे होता है, ट्रांसफ़र कैसे होता है? तो ट्रांसफ़र होता है कंटामिनेटेड बटर एंड फूड। कहाँ पे अफेक्ट करेगा? इंटर इंटेस्टाइन एंड स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स वाया ब्लड फीको ओरल रूट। टेस्ट की हम लोग बात करें तो टेस्ट पे क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट इसका टेस्ट है डेट इज़ ए विडोल टेस्ट। सिम्टम्स की हम लोग बात करें डेट इज़ हाई फीवर, स्टोमिक पेन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन लीडिंग टू डेथ, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन। तो ये सभी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। वन मिनट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइफाइड मैरी, जो कि एक कुक थी, जिसने क्या किया, बहुत सारे लोगों को टाइफाइड से सफ़र करवाया, क्योंकि जो जो वो वोमेंस थी उसको क्या था, पहले से उसको टाइफाइड था, जिसके वजह से क्या हुआ कि उसने वो मतलब खाना बनाती थी, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों के पास क्या हुआ, इसने इसको स्प्रेड आउट कर दिया, इसके लिए हम लोग इसको टाइफाइड मैरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास आता है निमोनिया। तो निमोनिया की हम लोग बात करते हैं। तो निमोनिया सबसे पहले कॉज्ड किससे होता है? डेट इज़ ए कॉजेटिव एजेंट, इसका क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। थर्ड हमारे पास आता है डेट इज़ ए कॉलेरा। कॉलेरा का जो कॉजेटिव एजेंट्स होता है डेट इज़ ए विब्रियो कॉलेरी। इसके बाद आता है ब्यूमोनिक प्लेग। प्लेग की हम लोग बात करें डेट इज़ ए कॉज्ड बाई यर्सिनिया पेस्टिस। ठीक है, जैसे कि अभी कोविड आया था, ऐसे ही पहले क्या हुआ था, प्लेग से भी बहुत सारे लोग मारे गए थे। नेक्स्ट आता है डेट इज़ ए लेप्रेसी। लेप्रेसी हम लोग कॉजिटिव एजेंट्स की बात करते हैं डेट इज़ ए माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी। डिप्थीरिया की हम लोग बात करते हैं कॉज्ड बाई कैने बैक्टीरियम डिप्थीरिया। टिटेनस किससे होता है? डेट इज़ कॉज्ड बाई कॉजिटिव एजेंट क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। तो ये सब डिजीज़ जो हमारी थी डेट इज़ ए बैक्टीरियल डिजीज़। तो पूछा जाएगा कि बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं एंड व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे जो बनेगा टाइफाइड, या फिर हम लोग बात करें कि इसका जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट पे क्वेश्चन बनेगा कि टेस्ट कौन सा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेट इज़ ए वायरल। वायरल डिजीज़ में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हमेशा हम लोगों को होता रहता है, डेट इज़ ए कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड होता किससे? डेट इज़ ए कॉजिटिव एजेंट रहीनो वायरस। इनफैक्ट नोज इन रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। इट लास्ट 3 to 7 days। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ये किसको अफेक्ट करता है? तो ये अफेक्ट करता है हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज को, लंग्स को अफेक्ट नहीं करेगा, और 3 to 7 days इसका पीरियड रहता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक सही हो जाता है। सिम्टम्स की हम लोग बात करें, हेडेक, कफ, हॉर्डनेस, शोर, थ्रोट, नेसल कंजेशन, डिस्चार्ज, टायर्डनेस। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। इन्फेक्शंस की वजह से क्या होता है हमें? ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफिंग ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन इनहेल्ड डायरेक्टली
तो इस तरीके से ये हमें ट्रांसमिट हो सकता है, जैसे कि किसी को पहले से कॉमन कोल्ड है और हम लोग उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो ये हमें क्या होगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा। पेन बुक्स ले रहे हैं तो भी स्प्रेड आउट हो सकता है। सेम हम लोग यदि बात कर लेते हैं COVID-19 की, तो कोविड कोरोना भी इसी तरीके से कुछ स्प्रेड आउट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटोजोअन डिजीज। तो प्रोटोजोअन डिजीज की हम लोग बात करें, फर्स्ट आता है डेट इज ए मलेरिया। तो मलेरिया हमें कैसे कैसे हो सकता है, कैसे होता है, पॉजिटिव एजेंट्स प्लाज्मोडियम होते हैं, प्लाज्मोडियम बाइबैक्स मोस्ट कॉमन होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मैलिग्नेंट मलेरिया, ठीक है। वेक्टर की हम लोग बात करें तो इसको फैलाता कौन है, फैलाता है इसको फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो। ट्रीटमेंट की हम लोग बात करें तो क्विनोन से ये ठीक हो सकता है। चलो इसकी थोड़ी सी हम लोग मैकेनिज्म को समझ लेते हैं कि इसकी मैकेनिज्म कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास एक मॉस्कीटो आया, उसने हैंड पर इसको कट किया, तो क्या हुआ, इसके जो भी पैरासाइट्स थे वो हमारे लेवर के अंदर पहुंच गए थ्रू ब्लड, जिसके वजह से क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने रिप्रोड्यूस किया एसेक्सुअली लिवर सेल्स के अंदर, वहाँ पे क्या हो गए, वर्स्ट हो गए, जिसके वजह से जो भी वहाँ पे पैरासाइट्स थे रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली कहाँ पे, आरबीसी सेल्स के अंदर। और नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा आगे स्टेज में, ठीक है, एंड डेट इज़ ए फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट्स। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा फीवर आ जाता है, ठीक है, तो किसके वजह से वो फीवर आ रहा है वो याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास फीमेल मॉस्कीटो के अंदर ये फिर से कट करेगा और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको स्प्रेड आउट करवा रहा है। तो यहाँ की मैकेनिज्म कहाँ पे हो रही है, ह्यूमन होस्ट के अंदर, और यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, फर्टिलाइजेशन मॉस्कीटो के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेलमेंथिक डिजीज। हेलमेंथिक डिजीज में सबसे पहले हमारे पास आएगा डेट इज एस्केरियासिस। एस्केरियासिस किससे होता है, कॉजिटिव एजेंट इसका क्या है, डेट इज इंटेस्टाइनल पैरासाइट एस्केरिस। एग ऑफ पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद फीकस विद कंटामिनेटेड सॉइल वाटर प्लांट्स कंटामिनेटेड वाटर वेस्ट फ्रूट इनफैक्ट, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों से यदि आपने देखा है बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऐसी जगह पे खेलते रहते हैं मिट्टी वगैरह में, तो उनमें ये होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एलिफेंटियासिस। तो एलिफेंटियासिस की हम लोग बात करें तो किससे होता है, फाइलेरियल वर्म्स बाउचेरिया ब्रोंकोफ्टाई बाउचेरिया मेलाई। बैक्टर की बात करें फ्यूमर क्यूलेक्स मॉस्कीटो। कॉज की हम लोग बात करें, स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन्स इन विच दे लाइव फॉर मेनी ईयर्स यूजुअली लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्फ जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो अफेक्टेड विच कॉज क्रॉस डिफॉर्मिटीज, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो भी टेस्टिस वगैरह होता है वहां पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं डेट इज फंगल डिजीज, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है। रिंग बर्म कॉस्ट करता है इसमें माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन एपिडर्मोफाइटोन ये सभी की वजह से होता है। अब होता क्यों है, हीट मॉइस्चर हेल्प फंजाई टू ग्रो, ठीक है। अब लोग मतलब कहीं पे मॉइस्चर रह जाता है, हम लोग नहाते हैं और यदि हम लोग वाटर को साफ नहीं करते हैं तो भी हो जाता है, वहाँ पे ग्रो कर जाता है फंजाई। आप किसी की टॉवल यूज़ कर रहे हैं, बॉयज बहुत सारे लोगों के मतलब कपड़े वगैरह भी यूज़ करते हैं, जिसके वजह से भी आपको ये देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये डिजीज़ आपकी दी हुई थी यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा एड्स और कैंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो शायद कैंसर तो मैंने करा रखा है, एड्स एक बार देख लेना, यदि नहीं होगा तो मैं भी चेक करके फिर से करा दूंगा। यदि आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में। जब तक के लिए थैंक यू।